हेलो नमस्कार जय हिंद। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के बारे में। तो आप देख सकते हैं डीएन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में मैं आपको सारे डिटेल बताने वाला हूँ। तो इसमें टोटल पोस्ट जो निकली हुई है वो 12,828 पोस्ट हैं। इसको आप फॉर्म भरने की डेट जो है वो 22 मई से 11 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही फीस जो है इसमें लगने वाली है, जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है, बाकी एससी एसटी इन सभी के लिए जो है कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगने वाला है। करेक्शन डेट जो है आप 12 से 14 जून तक आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो आप उसको सुधार करवा सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 11 जून 2023 तक जो है काउंट की जाएगी, जो कि एज में आपके 18 से 40 वर्ष तक जिनकी आयु काउंट होगी वो सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज में जो है छूट किन किन को मिलेगी, तो ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी और एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। योग्यताएं एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, इसमें मैथ और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होते ही हैं। इसके लिए साथ ही आपको नो द लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज मतलब कि ग्रामीण भाषा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जिस क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। वैसे ही नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मतलब कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, वैसे सभी को साइकिल चलाना आता ही होगा। तो चलिए अब सैलरी के बारे में और बात करते हैं हम। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक ब्रांच पोस्ट मैनेजर और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर में आपको 12,000 से 29,380 रुपये तक सैलरी रहेगी। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर में आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। साथ ही क्या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, तो ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इसमें आपकी मेरिट बेस्ड ऑन 10th परसेंटेज, 10वीं में आपकी हाईएस्ट परसेंटेज है तो आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट वाले लोग फॉर्म भरे। तो मेरे दोस्त, इसमें ज़्यादातर हाईएस्ट परसेंट वालों को ही लिया जाता है, तो कम से कम आपको 90% और 90 से ज़्यादा परसेंट वालों के सिलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या 70%, 80%, 90% वाले फॉर्म भरें या नहीं भरें, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाय द वे, किस्मत से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी इसकी मिनिमम जो है कट ऑफ वो 90% रहने वाली है, इससे अधिक तो जाएगी ही, मिनिमम 90% तो रहेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ रूरल इलाके हैं तो उन क्षेत्रों में इसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो सकती है, तो आप फॉर्म जरूर डालें जिनके 80 से 100 के बीच में परसेंटेज है वो जरूर इस फॉर्म को फिल करें। क्या काम करना पड़ता है, तो काम तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या काम करेंगे, डाक या डाक वाला काम ही करेंगे। तो इसमें जो है ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, इसका काम रहता है कि शाखा में सारी व्यवस्थाएं देखना, जहाँ भी अपना डाकघर है वहाँ की सारा मैनेजमेंट जो है ब्रांच पोस्ट मैनेजर की हाथों में होता है। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, इनका काम जो भी डाक टिकट निकलने वाले होते हैं या फिर किसी को, जैसे आप सभी का नौकरी लगने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो वो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर ही देने आने वाले हैं। तो इसके बारे में सारी डिटेल आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जय हिंद।